नमस्ते, आज मैं आपको कटिंग से लगने वाले प्लांटों का नाम बताऊंगी जो कटिंग से आसानी से इजली से ग्रो हो जाते हैं। एक ये है सफ़ेद अपराजिता, इसकी कहीं से भी एक कटिंग आप लीजिए, थोड़ी मोटी कटिंग यहाँ से लीजिए, कट करके आप लगा देंगे तो ये लग जाएगा और फ्लावरिंग भी करने लगेगा। गुड़हल, गुड़हल भी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। गुलाब, गुलाब भी कटिंग से लग जाएंगे, ये भी कटिंग से अच्छे आसानी से ग्रो हो जाएंगे। स्नेक प्लांट, एरो हेडेड प्लांट, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और ये सब अधिकतर मैं प्लांट सारे कटिंग से ही लगाती हूँ। आपको कहीं भी अगर कोई भी अच्छा प्लांट दिखे तो आप उसकी कटिंग जरूर लगाइए। कटिंग सारे प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, आसानी से फ्री में भी ग्रो हो जाते हैं। नाग चंपा, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है और ये ग्रो होना शुरू हो गया है। इसकी फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, मुझे कहीं भी मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा कटिंग लेकर आती हूँ जी। ये भी कटिंग से आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ कटिंग से लगाया था, ये चल गया है। गुलदाउदी है ये कुंद बिहारी है, ये भी कटिंग से लग जाता है। इसको भी आपका आसानी से यहाँ से कटिंग करिए और एलोवेरिया वीरा में डीप करिए, लग जाएगा आराम से। और ये पेटोनिया है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाता है। थैंक यू, बाय बाय।